एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों तथा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट। अभी अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का आया बड़ा बयान। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को कल नहीं होगा किसी भी प्रकार का घोषणा, नहीं मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन तथा वेतन मान, और 7वें चरण की बहाली भी नहीं होगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सभी शिक्षक इस उम्मीद में थे एवं अन्य कर्मचारी भी बिहार के उम्मीद में थे कि शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री करेंगे एक बड़ा ऐलान। लेकिन आज साफ तौर पर किसी भी तरह का ऐलान करने से शिक्षा मंत्री ने इनकार किया। न्यूज 18 बिहार झारखंड के रविश रिपोर्टर रजनीश जी के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि कल क्या घोषणा करेंगे शिक्षा मंत्री जी, तो शिक्षा मंत्री जी का साफ बयान आया कि अभी ही फिलहाल में शिक्षकों का वेतन के लिए 94,40,00,000 रुपये तथा अंतर वेतन के लिए सभी प्रकार के वेतन भुगतान के लिए मैंने जारी किया है, लेकिन अभी शिक्षकों को करना होगा इंतजार, क्योंकि शिक्षक ये समझे कि आप अपना एक दान कर रहे हैं। शिक्षा दान होता है, दान स्वरूप होता है, तो शिक्षक यही मान ले कि शिक्षक अपना शिक्षा फ्री में दान कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का ऐलान कल नहीं होगा शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को। तो इस तरह शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को, बिहार के कर्मचारियों को लगा एक झटका, उम्मीद पर फिरा पानी। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।